अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ हसन अली खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हारमोनियम ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स का ये बिल्कुल पहला वीडियो है और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि यार, मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें से किसी भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। समटाइम्स ऐसा होगा कि बातों में भी कोई ना कोई लेसन या लेक्चर होगा, तो आपने बातें भी ध्यान से सुननी है। ये नहीं है कि जब मैं कोई प्ले करूँ कोई चीज़ या कोई प्रैक्टिस बताऊं सिर्फ तभी प्रैक्टिस है। आपने बातों को भी गौर से सुनना है और कम से कम एक मर्तबा तो वीडियो को पूरा लाजमी देखना है आपने। दूसरी बात, मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं आप में से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं किसी का उस्ताद हूं, ऐसी बात नहीं है यार। आप सब मेरे भाई हैं। अपने लर्निंग फेज़ में मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया, मैं बस वो एक्सपीरियंसिस आपके साथ शेयर करूँगा और मज़ेदार प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी बात, एक्यूरेसी इज़ बेटर देन स्पीड। स्पीड के पीछे नहीं भागना यार। हारमोनियम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, तो हम फौरी तौर पे स्पीड का एक कॉन्सेप्ट जहन में बना लेते हैं। तो एक्सपर्टीज़ सिर्फ स्पीड में नहीं होती, एक्सपर्टीज़ एक्यूरेसी में होती हैं। सही है, तो आपने एक्यूरेसी की तरफ भागना है, स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो आज का पहला लेक्चर शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कीज़ के बारे में। कीज़ का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, सुरों के क्या क्या नाम होते हैं, उसके बाद मैं आपको एक लेसन भी दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो ये होता है हारमोनियम का कीबोर्ड। पियानो, हारमोनियम, कीबोर्ड्स वगैरह, इन सब का एक ही की स्ट्रक्चर होता है, बस पिचेस में फ़र्क होता है और साउंड में फ़र्क होता है। यार ये जो वाइट्स होते हैं इनको कलेक्टिवली वाइट्स कह सकते हैं, और जो ब्लैक्स हैं कलेक्टिवली इन सबको ब्लैक्स कहा जा सकता है। लेकिन इनमें से हर सुर का अपना एक नाम भी है नोटेशन वाइज, तो मैं आपको वो नाम भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो फर्स्ट नोट होता है, फर्स्ट वाइट, ये निशानी क्या है कि दो ब्लैक्स के साथ वाला बिल्कुल पहला वाइट है जो, इसे कहते हैं सी। ये बेस का नोट है तो इसलिए आपको आवाज़ इसकी ऐसी आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड सी। और सी के बिल्कुल साथ वाला फर्स्ट ब्लैक, जिसे आम तौर पे पहला काला कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सी शार्प। आपने सी शार्प याद रखना है, आई विल प्रेफर इट। उसके बाद जो सी के साथ वाला वाइट है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डी। इस नोट का नाम है डी। नोट से याद आया, कभी भी आपने इनको बटन्स नहीं कहना, आप इनको कीज़ कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं, सुर कह सकते हैं, लेकिन बटन्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है यार इनके लिए, ये कोई बटन नहीं है। ठीक हो गया, कंटिन्यू करते हैं। इनको कहते हैं, इस नोट को कहते हैं ई फ्लैट। अब आप पूछेंगे ये डी था तो ये डी शार्प क्यों नहीं है, तो भाई ये डी शार्प भी है लेकिन एक्सेप्शनल केस में। वो केसेस इंशाल्लाह अगर कभी डिस्कस किए तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन आमतौर पे बताता चलूँ, अगर ये ई है तो इससे पिछले वाला ये ई फ्लैट कहा जा सकता है। थर्ड वाइट, इसे ई कहते हैं। फोर्थ वाइट, दिस इज कॉल्ड एफ। थर्ड ब्लैक, दिस इज कॉल्ड एफ शार्प, क्योंकि ये एफ के आगे वाला, तो इसे शार्प कहेंगे। फिफ्थ वाइट, दिस इज कॉल्ड जी। फोर्थ ब्लैक, जी शार्प। ए, नॉट ए शार्प, बट एक्सेप्शनल केसेस में ये ए शार्प भी है। फिलहाल आमतौर पर जो नोटेशन चलती है नॉर्मली, उसमें ये बी फ्लैट कहा जाएगा, ठीक है, फिफ्थ ब्लैक को। देन द सेवंथ नोट इज बी, सेवंथ वाइट नोट इज बी, एंड देन अगेन ये सी। अगर आप गौर करें तो जैसे ये स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, ये दो ब्लैक्स, थ्री ब्लैक्स, फिर इसी तरह से ये दो और तीन इनका सेट है, इनमें सिर्फ पिच का फर्क है, स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह से जो नाम यहाँ पे शुरू किए थे वो बिल्कुल ऐसे ही, सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ए, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी। अगेन अगर आप नोटिस करें तो इसी तरह से ये एक दफ़ा फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, सी टू सी, दिस इज कॉल्ड वन ऑक्टिव। अगर हम काउंट करें इस वक्त मेरे हारमोनियम में कितने ऑक्टिव्स हैं, तो ये बनते हैं तीन, एक, दो और तीन। इन्हें उर्दू में या हिंदी में सप्तक कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें ऑक्टिव कहा जाता है। ये ऑक्टा से निकला है, ये ऑक्टिव यहाँ से यहाँ तक भी बन सकता है, सेम नोट्स डिफरेंट पिचेस, यहाँ से यहाँ तक भी ऑक्टिव बनेगा, यहाँ से यहाँ तक भी, ये सब ऑक्टिव्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं आज की प्रैक्टिस की। पहली प्रैक्टिस बिल्कुल बिगनर्स के लिए पहला लेसन है। अगर हम हारमोनियम में सी टू सी सिर्फ वाइट्स प्ले करें तो हम बेसिकली ठाठ बिलावल या इंग्लिश में आयोनियन प्ले करेंगे।
मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ, सिर्फ वाइट्स को प्ले करना है। पोजीशन बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि पोजीशन इसमें बहुत मैटर करती है। अगर पोजीशन गलत होगी तो फिर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे आप स्पीड को भी और एक्यूरेसी को भी। ऑलराइट गाइस, थर्ड बिलावल प्ले करने लगा हूँ। आपने आमतौर पर भी सुना होगा सा रे गा मा, ये फर्स्ट फोर की पोजीशन है। सा रे गा मा, ये चार कवर हो गए। अब हमने क्या करना है, सा रे गा मा, ये स्विच करना है। इस थंब को अगेन स्विच करना है जी पे, ये स्विच करना है बड़ी सफाई के साथ और बड़े तरीके के साथ। और फिर अगेन ये इसी तरह से रिपीट हो जाएगा। ये चार कार्ड फिर उसी तरह से रिपीट हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब हम इस सी से अपर सी की तरफ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग। जब हम उस सी से वापस लोअर सी की तरफ आएंगे, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग। अब हम डिसेंडिंग सीखते हैं। अब पूरी प्रैक्टिस को एक दफा बड़े ध्यान से देखें। इस प्रैक्टिस की पहली प्रैक्टिस है, मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। प्रैक्टिस आपने एक खास टाइम स्पैन में करनी है, सही है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक फिक्स्ड टेम्पो में आपने प्रैक्टिस करनी है। आप सबसे पहले टाइम स्पैन डिसाइड करें कि आप 25 मिनट की प्ले करेंगे, 30 मिनट, घंटा, व्हाटएवर, लेकिन टेम्पो उस सारे टेन्योर में एक ही रहेगी। अगर 25 मिनट प्ले करें तो 25 मिनट एक ही टेम्पो में प्ले करना है। टेम्पो मीन्स स्पीड, एक ही स्पीड में प्ले करना है। स्पीड ज़्यादा या कम नहीं करनी, आपने सेम स्पीड पे प्ले करना है। तो बीट्स के लिए आप काफ़ी ऐप्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे लूप कोई लगा सकते हो और ऐप्स भी काफ़ी हैं। तबले की काफ़ी बीट्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। आप 16 बीट साइकिल, जिसे तीन ताल कहते हैं, वो लगाएं और उस पे प्ले करें आप, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रैक्टिस के वक्त सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने, और कोई भी फजूल काम नहीं करना उस वक्त। कोई फ़ोन नहीं यूज़ करना प्रैक्टिस के दौरान, मतलब प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ आप प्रैक्टिस ही करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसी लेसन को थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं। वो किस तरह से, अभी मैं आपको ये बता रहा था सिर्फ एक ऑक्टिव में, आप इसे तीनों ऑक्टिव्स में प्ले कर सकते हैं। किस तरह से, इस सी से शुरू करें, देन यहां से कंटिन्यू करें, तीनों की डिसेंडिंग, जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, अच्छा प्ले करने लग जाएंगे, लेकिन पहले एक ही टेम्पो में प्ले करना है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि स्लो स्पीड से शुरू कीजिएगा और ग्रेजुअली आप दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंप्रूव होते जाएंगे। जब आप थोड़ा सा अच्छा प्ले करने लग जाएंगे तो आप इस स्पीड तक भी आ जाएंगे। इससे भी बढ़ा जा सकता है।
बट यार बहुत ज़्यादा स्पीड के पीछे नहीं भागना, आपने एक्यूरेसी की तरफ जाना है, पहले एक्यूरेट करना है अपनी प्रैक्टिस को और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप स्पीड बनाते जाएंगे, खुद आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका हाथ, आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम माय लेक्चर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पहले से पता हो, लेकिन यार मैं एक तरतीब के साथ चलूँगा क्योंकि बहुत से बिगिनर्स ऐसे हैं जिनको साथ लेके चलना है, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में बहुत बहुत मज़े की प्रैक्टिसेस होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।